खत्म हो रहे अरविंद केजरीवाल का रिमांड, सवेरे 11 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट च पेश करेगी ईडी। शराब घोटाले च 21 मार्च हुई सी गिरफ्तारी। कांग्रेस आज एक होर गांधी दी एंट्री, साबका एमपी धर्मवीर गांधी दिल्ली च फड़नगे पार्टी दा पल्ला, पटियाला तो हो सकते ने लोकसभा उम्मीदवार। आज बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की पहली मीटिंग, दिल्ली बीजेपी दफ्तर च राजनाथ सिंह की अगुवाई, सवेरे 11 बजे बैठक। सूत्रा के हवाले तो खबर, मोदी की गारंटी, हो सकता है मैनिफेस्टो का नाम। आईपीएस सदानंद वसंत ने संभालिया एनआईए दे नवे डीजी दा औहदा, आईपीएस दिनकर होए सेवा मुक्त। 1990 बैच दे महाराष्ट्र केडर दे आईपीएस अधिकारी ने सदानंद वसंत। आज तो पंजाब दे सारे सरकारी प्राइमरी ते सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स दा बदलिया समा, सवेरे 8 बजे तो लगनगे स्कूल ते दोपहरे 2 बजे होवेगी छुट्टी। आज तो टोल प्लाजिया ते ढिल्ली करनी पवेगी जेब, देश भर च वध रहे ने टोल रेट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों वधाई गई है टोल फीस। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे, रुक करांगे पहली खबर दा। कांग्रेस शामिल होणगे अज डॉक्टर धर्मवीर गांधी दा, जिसके अज दिल्ली च कांग्रेस पार्टी दा पल्ला उन्हां दे वल्लों फड़िया जाएगा। पटियाला तो लोकसभा उम्मीदवार भी कांग्रेस पार्टी दे हो सकते ने। इस विचाले डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने राहुल गांधी नाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा च भी जिक्र किया है। 2022-23 च धर्मवीर गांधी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा च शमूलियत की सी। पहला वह राहुल गांधी नाल राजपुरा तो लुधियाना तक भारत जोड़ो यात्रा च शामिल होए सन। उस तो बाद वह जम्मू कश्मीर के लाल चौंक च लगातार 3 दिन राहुल गांधी नाल रहे। डॉक्टर गांधी फिर कन्याकुमारी विच भी भारत जोड़ो यात्रा विच शामिल होए सन। इस विचाले कांग्रेस शामिल होणगे डॉक्टर धर्मवीर गांधी। लोकसभा चोण के नतीजे 2014 का असीं जिक्र कर रहे हैं, जदों की आम आदमी पार्टी तो धर्मवीर गांधी के वलों चोण लड़ी गई सी। हालांकि जेतू भी होए सीगे, परनीत कौर नूं उन्हां दे वलों हराया गया सीगा ते 3,65,671 वोटां नाल जित प्राप्त की सीगी। ते दूसरे पासे असीं जिक्र करिए ते परनीत कौर नूं 3,44,729 वोटां ही हासिल हुईयां सन। ते लोकसभा चोण 2014 दे नतीजे दा असीं जिक्र कर रहे हैं, उदों आम आदमी पार्टी दी टिकट ते उन्हां दे वल्लों चोण लड़ी गई सीगी। लोकसभा सीट जो पटियाला दी है पंजाब दी, ते उत्थों जेतू रहे सीगे। ते हुण अज दिल्ली च कांग्रेस दा पल्ला फड़नगे धर्मवीर गांधी। इस समय फोन लाइन के उत्ते डॉक्टर धर्मवीर गांधी जुड़े हुए हैं न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते। बहुत सारिया चर्चावां दे विचाले मेरा सीधा सवाल यही है कि तुसीं कांग्रेस ज्वाइन करन जा रहे हो। देखो मैं जो आज दी हालतां ने ते जिस तरह की देश बहुत सारिया चर्चावां दे विचाले मेरा सीधा सवाल यही है कि तुसीं कांग्रेस ज्वाइन करन जा रहे हो। देखो मैं जो अज दी हालतां ने ते जिस तरह की देश की 24 का इलैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देश का फ्यूचर तय होना है, डेमोक्रेसी का फ्यूचर तय होना है, सैकुलरिज्म का फ्यूचर तय होना, डेमोक्रेट इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर तय होना, देश ने किस पासे जाना वो तय होना है। तो अजिहे मौके में उन्होंने ताकतों को बल बख्शना बहुत जरूरी हैगी है, जिहड़ियां ताकतां देश नूं सही दिशा दे सकदियां। जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, जो राजनीतिक तानाशाही हैगी है, जिहड़ा आर्थिक जो एक देश की कारपोरेट सैल आउट हो रहा है, उन्होंने सारे तो जो मुल्क नूं बचाना है तो जिहड़ा मौजूदा पोलिटिकल डिस्पेंसेशन हैगी है उन्हों चलदा करना बहुत जरूरी है। इस करके मैं कांग्रेस की इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश सेगा, जो उसका इंपैक्ट सेगा, उधर मैं सहमत सेगा। और जो दिशा सीगी और जो 24 के देश ने की दिशा तैयार करनी हैगी है, उस मैं जो पॉजिटिव फोर्स नाल जुड़ के कुछ रोल अदा कर सकता तो मैं अपने आप में खुशकिस्मती समझूंगा जी। सर जे पार्टी कहती है तुहानूं इलैक्शन लड़न वास्ते पटियाला तो बहुत सारिया चर्चावां ने। देखो इस समय यह भी चर्चा है कि तुहानूं राहुल गांधी का फोन आया तो उन्होंने कहा कि तुसीं आओ ज्वाइन करो तो पटियाला तो इलैक्शन लड़ो, कि एवं भी होया आया राहुल गांधी नाल गलबात हो? नहीं नहीं इस तरह की कोई गल नहीं हैगी है, लोग आ गल नूं बधांदे हैगे आ जी। आई माई सेल्फ आई एम इनक्लाइन टू हेल्प द फोर्सेस विच कैन सेव द कंट्री इन 2024 एंड फाइट आउट फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर द कंट्री जी। सर राहुल गांधी नाल तुहाडी गलबात हुई, तुहाडे जिहड़े कांग्रेस दे वड्डे लीडर ने?
नहीं मैं राहुल गांधी ना एक भारत जोड़ो यात्रा पहले मैं कन्याकुमारी उत्थे गलबात हुई हैगी है फिर मैं भारत जोड़ो यात्रा पंजाब ज्वाइन किया फ्रॉम सरहंद फतेहगढ़ सरहंद मंडी गोबिंदगढ़ मैं भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर कश्मीर ज्वाइन किया फॉर थ्री डेज जो पद यात्रा खत्म हुई हैगी है भाई आई हैड गुड इंप्रेशन विद हिम भाई आई आई गॉट क्वाइट गुड आई एम ऑफ क्वाइट गुड ओपिनियन अबाउट राहुल गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी एंड हिज थिंकिंग एंड हिज इस विचार रुक करांगे अगली खबर दा आज बीजेपी मैनीफेस्टो कमेटी दी पहली मीटिंग होन जा रही है राजनाथ सिंह दी अगवाई च मीटिंग होएगी मैनीफेस्टो दे लई बीजेपी वल्लों लोकां तो सुझाव मंगे गए ने इस विचाले दिल्ली च बीजेपी दफ्तर सवेरे 11 बजे आ मीटिंग सद्दी गई है इस विचाले लोकसभा चोणां स्थिते ने सत गेड़ यानी कि सत फेस च लोकसभा चोणां 2024 होन जा रहियां ने इस विचाले पहला गेड़ पी वास्ते जो वोटा ने वो 19 अप्रैल नूं पैणगियां ते अज बीजेपी मैनीफेस्टो कमेटी की पहली मीटिंग होन जा रही है मैनीफेस्टो च बकायदा जिक्र होंदा है कि जे कोई भी पार्टी जो सत्ता च आंदी है ते की कुछ उस पार्टी दे वल्लों कीता जाएगा बकायदा लोकां तो सुझाव भी मंगे जांदे ने सर्वे भी करवाया जांदा है ते राजनाथ सिंह जो देश दे रक्षा मंत्री ने उन्हां दी अगवाई च आ मीटिंग होन जा रही है सवेरे 11 बजे मीटिंग होएगी दिल्ली च बीजेपी दफ्तर च दस दिए कि लोकां तो इस बाबत सुझाव भी मंगे गए हुण गल इंडिया गठजोड़ ते शक्ति प्रदर्शन दी जिथे सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल दा संदेश पढ़िया ते देश दी जनता अगे 6 गारंटीज रखियां तां मुख्यमंत्री मान केजरीवाल दी गिरफ्तारी नूं लैके बीजेपी ते जम के निशाने साधे दिल्ली दे रामलीला मैदान दे विच इंडिया गठजोड़ ने शक्ति प्रदर्शन कीता रैली नूं नाम दित्ता गया तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ इस दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंचे जिथे केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने निशाने ते लिया उथे इंडिया गठजोड़ के मंच के जरिए केजरीवाल दी गारंटियां जनता तक पहुंचाई सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़िया तो 6 गारंटियां का जिक्र किया गया जिस विच पूरे देश दे विच 24 घंटे बिजली ते गरीबां दी बिजली फ्री करन दी गारंटी दित्ती मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं पहली पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे कहीं कोई पावर कट नहीं होगा मंजूर है दूसरा पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे मंजूर है तीसरी हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी होना चाहिए लोकतंत्र बचाओ रैली तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी संबोधन किया बीजेपी के वर्दियां कहा कि केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच है केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे देश का लोकतंत्र खतरे में है इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे डंडे से चला लेंगे ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है हालांकि रैली इंडिया गठजोड़ दी सी पर इस दौरान आपने दिल्ली दी तर्ज ते अपना एजेंडा जनता अगे रखिया ते 24 दे पिंड दे विच इंडिया गठजोड़ दे लई जनता दा साथ मंगिया दिल्ली तो रवि मिश्रा न्यूज 18 पंजाब ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੰਡੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਚੋਣਾਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ 180 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो संविधान रद्द किया जाए और आप
सत्ता में रहो। मगर भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। अमृतसर च आप ते बीजेपी वालों अपने अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर दिता गया है, जिस तो बाद कांग्रेस अते अकाली दल ते भी संभावित चेहरे भी हुण मैदान च उतर आए ने, जिस दे चलदिया गुरजीत औजला ते अनिल जोशी लोकां च घूमदे नजर आए। दोहां ने लोकां नाल मुलाकात कीती ते उहनां दीआं समस्यावां ते सुझाव सुने। पहली गल है, जिन्हां नूं भी सीटां मिलियां मैं इन्हां नूं मुबारकबाद दिंदा कि तुहानूं चोण दे विच बीजेपी वल्लों उतारिया गया। और पर एक गल इह देखण च बड़ी मतलब अचंभे वाली लगी है कि इन्हां सीटां सिर्फ एक ही जिहड़ा बीजेपी दे पुराने पिछोकड़ दा उम्मीदवार जिहड़ा गुरदासपुर उतरे ने, बाकियां चों जिहड़े पंज ने उन्हां चों इक ते कलाकार ने, चलो उन्हां दे उह पहिलों अकाली दल सी फिर अंसरां जी बीजेपी च आ गए, बाकी सारे कांग्रेसी ने। और एक बड़ी मतलब पोजीशन जिहड़ी है लोकां अगे, लोकां नूं मैं कहना चाहुंदा कि ये देख लो कि कांग्रेस पार्टी ने किहड़ी किहड़ी लीडरशिप पैदा की है कि दूजियां पार्टियां नूं भी लीडर जिहड़े आ कांग्रेस पार्टी तों लैणे पै रहे ने। सो इस गल दे असीं बाकी हुण इलैक्शन च जदों साडियां सीटां अनाउंस हो जांदियां ने फिर असीं जिहड़ी गल मुद्दे वाली है जां जिहड़े हालात ने उहदे उत्ते बड़ी विशेष तौर ते जिहड़ी वी मसला होऊगा ते चर्चा करांगे आपां। इस वेले लोकी जरूर इह सोचदे पए आ यार कि फेस नूं वोट पावांगे। मैं वेखो मौका किसी कांग्रेस तो मिल गया, किसी बीजेपी तो मिल गया, किसी अकाली दल तो मिल गया, किसी झाड़ू तो, यार जे मिल ही गया लोगों दी भावना की कदर करो, अपने काम जिहड़ा लोगों ने तुहानू दिता उन्हों धर्म ते उन्हों समझो। असली धर्म पार्टियां नहीं गियां, धर्म काम आ जिहड़ा लोकी दिंदे आ। किसी पार्टी तो मौका मिल गया, जिन्हों मौका मिल गया यार उन्होंने 5 साल का लोगों माण सत्कार देता, संविधानक पावर एड्डी वड्डी देती, कुछ करके विखाओ। जिहड़ा इस वेले मौजूदा एम पी आ उन्होंने 10 साल देते, लोगों ने 2-3 होर नहीं परफॉर्म किया, जिन्हें असी तो परफॉर्म करने के बावजूद भी सानू भाता है, जिन्हें नहीं परफॉर्म किया वो जाऊगा घर। ये तो लोग डिसाइड करनगे, परफॉर्मेंस जिहड़ी आ कैंडीडेट नहीं डिसाइड करेगा। कंपनी बाग दीआं फोटोआं ला के कोई पा दूगा तो वो कंपनी बाग तो तुहानूं लोगों नूं पुछो किन्ने बनाया। अगे वधण ते गल करांगे सिटिंग एम पी जसबीर सिंह डिंपा दी। एम पी डिंपा ने बीजेपी ते तिखा शब्दी निशाना बोलिया है। डिंपा ने कहा कि भाजपा तो ठग्या महसूस कर रहे ने लोग, भाजपा शामिल होए आगुआ ते भी जसबीर डिंपा ने तंज कसिया है। डिंपा ने कहा है कि जो अपनी पार्टी का नहीं होया वो होर दा भी नहीं हो सकता, दल बदलुआ नूं मूंह ना लगाओ। हाल ही च असीं वेख्या सीगा
कि रवी सिंह बिट्टू दे वल्लों भी कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के बीजेपी का पल्ला फड़िया गया। जसदीप डिंपा जो सिटिंग MP ने उन्होंने बीजेपी से तिखा शब्दी हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि जो अपनी पार्टी का नहीं होया वो होर का भी नहीं हो सकता। जी कोई भी दल बदलू हो सरकार लोगों को उन्होंने मूंह नहीं लाना चाहिए। दल बदलू जोड़ा किसी का नहीं गा वो लोगों का भी जरा इंडिया गठजोड़ अच रैली हो रही दिल्ली किस तरह वेखते बहुत जबरदस्त रैली हुई। अज मैं तो सुन के हैरान हाँ मैं तस्वीर वेखिया बहुत जबरदस्त रैली हुई। ये मोदी सरकार के खात्मे की शुरुआत है। ध्यान सर जिस तरह तुम टिकट इतों कितों मिल जाती तुम कहो जो काम करोगे भाजी प्रतख को प्रमाण की लड़ नहीं एक इमानदारी मैं काम किया चंद गोल लीडर होने जिन्हों के उत्ते कभी कोई पैसे का इल्जाम नहीं लगा उन्होंने एक इमानदारी अगे भी किया काम भी कर। ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਓਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਿਕਿਓਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कन्न फड़ के जमीन ते बैठे हुए दिखाई दे रहे ये वो लोग ने जो तुहाडे पैसों ते ऑनलाइन ऐप ते वैबसाइट के जरिए सन ला के बैठे सी। ये वो शातर ठग ने जो अपने भेजे गए एक लिंक तो लोगों की जिंदगी भर की इकट्ठी की कमाई नू सैकेंड्स दे विच ही उड़ा लेंदे ने ते जदों तक तुहानू ठगी के बारे कुछ समझ आउंदा उन्ने नू तुहाडा खाता खाली हो जाता है। दरअसल पुलिस ने साइबर ठगां ते शिकंजा कसण दे लई एक ऐप लॉन्च की सी जिसकी मदद के नाल नू पुलिस वख-वख थावां तो 30 साइबर ठगां नू गिरफ्तार कर चुकी है। ये सारे ठग फर्जी दस्तावेजा के आधार से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल फर्जी बैंक खाते ते वख-वख तरीके अपना के ऑनलाइन ठगी करते सी। मुलजमां दे कोलों 50 मोबाइल ते 90 सिम कार्ड के नाल कई दस्तावेज भी बरामद हुए ने। सभी ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया हुआ है जो अभी भी जारी है। 2 दिन के लिए ऑपरेशन है। इसमें हम जितने भी साइबर ठगी हैं जो देश भर में लोगों की सब ठगी करते हैं उनको उनमें से हमने 30 आदमियों को पकड़ने में अभी तक की सफलता प्राप्त की है और अभी हमारा ऑपरेशन जारी है जिसमें अभी लगभग हमने 80 से 90 तक की तो फ्रॉड सिम वगैरह बरामद की है और 50 से 60 फोन लगभग इनमें बरामद हो चुके हैं और अलग अलग राज्यों में ढेरों इनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं उनका एनालिसिस अभी जारी है। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਨਾਟਕ ਦਿੱਲੀ NCR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UP ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਤਰ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੀਏ ਮੇਵਾਤ ਏਰੀਆ ਹਮਾਰਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ ਯਹਾਂ ਹਮਨੇ 1200 ਲੋਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੈ और उन पर लगातार हमारी सर्विलेंस जारी है और एक हमारे भारत सरकार की तरफ से एक ऐप लॉन्च हुआ है प्रतिबिंब और उसी के तहत ये कार्रवाई आज चल रही है। उस ऐप से आप यहाँ बैठे हुए जो बाहर लोगों को ठगते हैं उन सभी क्रिमिनल्स की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है और उसी के थ्रू हम उनको पकड़ने में सफलता हासिल कर रही है। पुलिस ने दूजे सूबियां दी पुलिस नू भी मुलजमां दे फड़े जान दी जानकारी दित्ती सी पर पुछगिछ दे दौरान हुन मुलजमां तो कई खुलासे होण दी उम्मीद कीती जा रही है। नू तो कासिम खान दी रिपोर्ट न्यूज 18 पंजाब।